नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात बीकानेर की। डांडिया को कौन बना रहा है लव जिहाद का अड्डा? राजस्थान के बीकानेर में मुस्लिम युवकों ने डांडिया नाइट को अपने रक्त चरित्र से लहूलुहान कर दिया। लोकतंत्र में साथ ही बात करेंगे साधुओं के खिलाफ फिर से हुई उस साजिश की। बघेल के दुर्ग में साधुओं का दुश्मन कौन है? साधुओं के खिलाफ देश भर में अफवाह की साजिश कौन रच रहा है? लोकतंत्र में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की भी। सोनिया बीमार, क्या लगाएंगी कांग्रेस की नैया पार? राहुल गांधी से ज्यादा सोनिया की यात्रा में पहुंचे लोग। साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में आज लव जिहाद पर होगा सबसे बड़ा खुलासा। जिहादी प्रोफेसर का लव जिहाद पर सबसे बड़ा कबूलनामा और सनसनीखेज खुलासा। तो आज इन तमाम बड़ी खबरों को हम आपको दिखाएंगे बहुत बारीकी से, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जाबाज और दिलेर रोहित ने एवलांच से कैसे अपनी जान बचाई और अपने साथियों की भी जान बचाई? क्या हुआ जब अचानक बर्फ का तूफान पर्वतारोहियों पर टूट पड़ा? हमने रोहित से पूछा कि कैसे बर्फ का पहाड़ उसके ऊपर टूटा और कैसे बची रोहित और उनके साथियों की जान, और अब वहां हालात कैसे हैं? क्या जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके बचने के चांसेस हैं? क्या वो वापस जिंदा लौट सकते हैं? ये तमाम सवाल हमने ठीक रोहित से इसलिए पूछे क्योंकि रोहित वहां पर मौजूद थे और रोहित ने इस मंजर को, इस भयावह तस्वीर को अपनी आंखों से देखा। मॉर्निंग में 8 से और 8:30 बजे के बीच में स्लैब एवलांच आ गया था और उसमें हमको बिल्कुल भी सेकंड भर का भी टाइम नहीं मिला और देखते ही देखते सारे ट्रेनीज उसमें दबते चले गए, कुछ क्रेवास में फंसते चले गए। मैं थोड़ा सा क्रेवास से थोड़ा सा बचा आइसेक्स की मदद से, फिर थोड़ा मैं ऊपर उठा। हमारे इंस्ट्रक्टर है राजस्थान से अनिल कुमार सुबेदार, तो उन्होंने फिर थोड़ा सपोर्ट किया मेरे को वहां पर। फिर मैंने उनके साथ मिलकर एंड 3-4 इंस्ट्रक्टर और थे वहां पर जो थोड़ा बच चुके थे, फिर हम सबने मिलके तीन ट्रेनीज और एक स्किंग करते हैं जो जेरी सर, हमने टोटल 4 को रेस्क्यू किया वहां पर और 4 डेड बॉडीज निकाली हमने 50 से 60 फीट गहरी क्रेवास से। डेड बॉडीज 2 ट्रेनीज की थी और एक डेड बॉडीज नौमी रावत इंस्ट्रक्टर और एक डेड बॉडी एवरेस्टर सविता कंसवाल की थी। वो आंखों देखा हाल सर बहुत ही भयानक था, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम जितना कर सकते थे हम सब 4 को ही बचा पाए वहां पर, क्योंकि हमको सब आवाजें तो बहुत आ रही थी लेकिन हम सब 4 को ही देख पाए क्रेवास में। उसके अलावा हमको कोई भी वहां पर एक भी ट्रेनीज कोई नहीं दिखा, हम सब 4 को ही बचा पाए। टोटल हम ट्रेनीज 34 थे, उसमें से 29 अभी भी वहीं फंसे हैं। 29 एक भी ट्रेनीज अभी तक वापस नहीं आया। कल भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ गई है, आज भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एयरफोर्स की टीम गई, लेकिन उनका आज भी कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात अब राजस्थान की करते हैं जहां पर त्योहार वाली साजिश और चाकूबाज गुंडों का सच सामने आ गया है। डांडिया के दौरान फिर से सनातन त्योहार पर वार करने की कोशिश की गई है। वैसे तो यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले इस नवरात्र में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब डांडिया या गरबा के दौरान धार्मिक फसाद कराने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगातार एक के बाद एक इस तरह की खबरें आती रही। लेकिन बीकानेर में जिहादी गुंडों ने पहले लड़कियों से छेड़छाड़ की, फिर खूनी फाइट की यानी कि खून बहा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक शख्स अभी भी अस्पताल में भर्ती है। अब यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि डांडिया नाइट में छुरे वाले गुंडे क्यों आए? क्या इसे एक बड़ी साजिश
नहीं समझें। गरबा डांडिया में खूनी जिहादी साजिश, हिंदू त्योहार में बवाल फैलाने का प्लान किसका? ना तो ये पहला मामला है, ना ही कोई नया मामला है, और ना ही किसी एक जगह का मामला है। फिर सवाल ये कि हिंदू त्योहारों के दौरान लड़कियों को टारगेट करने और छेड़ने वाले कहां से आते हैं, इसके पीछे साजिश किसकी है और इस साजिश की असल जड़ कहां है? इस सब के पीछे साजिश इसलिए लगती है क्योंकि हर जगह एक ही तरह के मानसिकता के लोग त्योहारों के दौरान पकड़े जाते हैं या फिर किसी और वजह से सामने आ जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद की घटना हो या फिर खेड़ा की, महाराष्ट्र के अकोला की घटना हो या फिर राजस्थान के बीकानेर की। बीकानेर का मामला सबसे नया है, सबसे ताजा है। डांडिया के दौरान वहां जो घटना हुई उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि देश के बाकी राज्यों में भी हो चुका है। अचानक ही कार्यक्रम के दौरान कुछ गैर हिंदू घुसे और डांडिया कर रही लड़कियों को छेड़ने लगे। डांडिया के दौरान कुछ गैर हिंदू अचानक घुस जाते हैं, डांडिया कर रही लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। छेड़खानी से रोका गया तो चाकुओं से वार करने लगते हैं। समीर, जुबैर और शाहरुख पर हमले का आरोप है। छेड़छाड़ रोकने वाले मधुसूदन मोदी घायल हो गए हैं। पहले दिन भी ये छेड़छाड़ कर रहे थे, इसने मना किया। दूसरे दिन फिर ये छेड़छाड़ कर ले, तीन चार बार इसने मना किया। तो मना करने पे मेरे पास वीडियो भी पड़ा है, बच्चा हाथ से उनको दूर कर रहा है। ठीक है, ये माने नहीं, उसको धमकी दी, तू बाहर आना तेरे को देख लेंगे। इसने एकदम नॉर्मल लिया और 20 से 25 लड़के थे ये, बाहर निकलते इसको पकड़ के, सारे हथियार बंद थे, टोटल हथियार इनके पास थे, पकड़ के इसके पीछे से चाकू डाल दिया। घायल मधुसूदन के परिवार का आरोप है कि इतनी बड़ी घटनाओं को लेकर ना तो डांडिया करवाने वाले सोच रहे और ना ही आसपास के लोगों को कोई फर्क पड़ता है। ये सारी बातें कहते हुए घायल मधुसूदन की माँ की आंखें नम हो जाती है। मैं तो इंसाफ ही चाहती हूँ, मेरे बच्चे की सलामती चाहती हूँ, और तो मालिक है वो सजा देने वाला, हमारे हाथ में क्या है। पर अभी तो वो भी प्रोग्राम, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रोग्राम हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही हो रहा है, वैसा का वैसा ही भीड़ मच रही है, और सब सब जानने वाले सब वैसे ही जा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होते हुए भी मेरे बेटे की तरफ किसी ने नहीं सोचा। इस पूरे मामले में जो तीन आरोपी हैं, समीर, जुबैर और शाहरुख, उसमें से समीर को सबसे शातिर माना जा रहा है। अब तक जितनी बातें सामने आई है उसके मुताबिक जो किया गया सब पूरे प्लान के तहत हुआ, और जो करने वाले हैं उनका इतिहास पहले से ही आपराधिक रहा है। पहले से ही बाहर इकट्ठा होकर उनका प्रोग्राम था जोड़ करने का, और इसका मधुसूदन को कोई पता था नहीं कि इस तरह की बात होने वाली है। ये बाहर निकलती इस पे हमला हो गया, दो चार छुड़ाने के लिए उनके भी कुछ मामूली लगी थी, इसके ज्यादा लगी। ये अभी तक तो बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इशारे में ही बता रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अभी तक ये कह रहा है जब से ये हटाओ ये हटाओ, ये हटा नहीं रहे। इनके तीन चार दोस्त थे, उनकी सिस्टर भी थी साथ में। अच्छा, तो उन्होंने क्या छेड़खानी कर ली थी। तब उस टाइम तो एक दिन तो इन्होंने मामला रफा दफा करवा दिया था, पब्लिक बहुत होती है वहाँ। वैसे दूसरे दिन जब ये गए ना तो इनको तो मालूम था नहीं कि भाई वो तैयार होके आए, ये पहले से इकट्ठे खड़े थे वहाँ, तो ये बाहर निकलते इस पे हमला। ऐसा नहीं है कि समीर, जुबैर और शाहरुख को छेड़छाड़ से रोका नहीं गया, लेकिन उसका अंजाम खूनी निकला। हुआ ये कि डांस के दौरान ही मधुसूदन नाम के शख्स की आरोपियों से पहले बहुत देर तक बहस हुई, जिसके बाद उसे प्रोग्राम से बाहर ले जाकर चाकुओं से गोद दिया गया। फिलहाल घायल मधुसूदन की हालत गंभीर है, अब उनके परिजनों को डर अलग से सता रहा है। पहले उन्होंने छेड़छाड़ की थी लड़कियों के साथ, उसके बाद हमने मना किया तो उन्होंने पहले तो वो सेटलमेंट कर लिया था उन्होंने। उसके बाद बाहर तैयारी थी, 20-25 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया, फिर चाकू से पीछे से वार कर दिया। कितने लोग थे वो सारे? 20-25 जने पक्के थे। अच्छा, इस वक्त किस तरीके की हालत है उनकी? हॉस्पिटल में है, और क्योंकि अभी तक भी पकड़े नहीं गए हैं वो लोग। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनकी हालत बहुत सीरियस है मेरे भाई की, अभी आईसीयू में भर्ती है अभी भी। आइडेंटिफाई किया जा सकता है उन 20-25 लोगों को जो लोग इस
पूरे हमले में शामिल थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले छेड़छाड़ हुई थी, अगले दिन हमला किया गया, तो ये पूरी की पूरी साजिश के तहत उस दिन भी छेड़छाड़ की गई थी वापिस। अच्छा। मेरे पास वीडियो उस दिन का भी तारीख सहित वीडियो पड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों दिन छेड़छाड़ हुई थी और दोनों दिन आप मौजूद थे, मधुसूदन ने भी रोकने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश की थी, तब उन्होंने बाहर जा के बाहर देख लेंगे, बाहर निकलते ही पुलिस वालों को भी बोला था, उन्होंने फिर वो आए नहीं, उन्होंने पीछे वाली गली में जैसे गाड़ी लेने गए थे वहाँ 20-25 जने अपन को पकड़ के चक्कू मार दिया। अब टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसका नाम है समीर नादसा, ये इस केस का मुख्य आरोपी है। अभी से कुछ दिन पहले इसने अपने फेसबुक पर एक तस्वीर लगाई थी जिसके साथ लिखा था, जिंदगी एक रेस है और आप तेज नहीं भागेंगे तो कोई आपको कुचल कर आगे निकल जाएगा, मौत पसंद है खौफ नहीं। ये तस्वीर नादसा ने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जेल के सामने क्लिक करवाई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि समीर के पास पहले अवैध हथियार भी पकड़े जा चुके हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अब नई बात कह रही है, पुलिस का बयान है कि ये सारा झगड़ा झंझट घर जाते वक्त रास्ते में हुआ। जो घटना जो हुई है वो गरबा के प्रीमाइसेस में नहीं हुई है, ये रास्ते में घर जाते हुए वहां पे घटना हुई है, चाकूबाजी की जो घटना हुई है। घटना की शुरुआत जो है वो गौतम और मधुसूदन दो लड़कों के आपस में डांस करने पे किसी का पैर दूसरे को लग गया, इस बात को लेके धक्का मुक्की से होती है पहले दिन 30 तारीख को, और उससे अगले दिन जो है रास्ते में जाते हुए मधुसूदन पे जो है ये कुछ लड़के जो हमला करते हैं उस पे चाकू से वार किया जाता है, जिसका अभी ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिट है और उसका उपचार चल रहा है, हालांकि वो अभी खतरे से बाहर है। इस केस में जांच अभी जारी है, पुलिस हर एंगल से तफ्तीश की बात कह रही है। दूसरी तरफ ये चिंता भी बढ़ती जा रही है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कौन है जो लगातार इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां तीन साधुओं को बुरी तरह से पीटा गया, इतना पीटा गया कि उनके कपड़े खून से लाल हो गए, और ये क्रूर तमाशा घंटों तक चलता रहा, तब तक जब तक कि पुलिस नहीं आ गई, और ये सब हुआ अफवाह की वजह से। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि पिछले कुछ सालों और महीनों में साधुओं के खिलाफ किस तरीके से साजिश बढ़ गई है और ज्यादातर वक्त उन्हें बच्चा चोर समझकर पीटा जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। किसी साधु के चेहरे पर चोट है, किसी साधु के शरीर पर, और किसी को तो इतनी चोट लगी है कि वो सही से चल भी नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि अगर बीच बचाव नहीं किया जाता तो शायद हैवान और उग्र लोग इन तीनों साधुओं की पीट पीट कर जान ही ले लेते। ये पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले की है। वैसे भी कहते हैं कि अफवाहों के पैर नहीं होते, पंख होते हैं। अफवाहें चलती नहीं है, अफवाहें तो उड़ती है। इस पूरी खूनी कहानी की शुरुआत होती है एक अफवाह से, जो देखते ही देखते तीनों साधुओं की जान पर बुरी तरह से भारी पड़ गई। दुर्ग में लोगों ने नियम कानून के परवाह किए बगैर साधुओं के साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी। तीनों साधुओं को शक के आधार पर रोका गया, बच्चा चोरी के शक में तीनों की पिटाई कर दी गई। सैकड़ों की भीड़ ने घेर कर साधुओं को पीटा है। पहले इन तस्वीरों को एक एक करके देखिए। इन तस्वीरों में साधुओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उग्र भीड़ लगातार उन्हें टारगेट कर रही है। एक पुलिस का जवान आपको दिखेगा जो अपने सहारे एक साधु को निकालने की कोशिश में लगा है, जबकि पीछे खड़ी और तमतमाई हुई भीड़ सिर्फ मारपीट ही करना चाहती है। एक साधु के ऊपर लगातार अटैक भी किया जा रहा है। दूसरे वीडियो में एक साथ दर्जन भर से ज्यादा लड़के साधुओं को घेर कर पीट रहे हैं। आसपास में खड़े लोग भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन लड़कों को और भी उकसाने की कोशिश में लगे हैं। जिसके हाथ में जो था उसी से साधुओं को पीट रहा है। जैसे ही यह खबर दुर्ग के भिलाई चरौदा बस्ती में फैलने लगी, लोगों की भीड़ और भी जुटती रही। इस सब के बीच पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई। तीसरी तस्वीर में तीनों साधु एक गाड़ी में लहूलुहान होकर बैठे हैं, चेहरे पर चोट और डर दोनों एक साथ देखा जा सकता है। एक साधु के साथ तो इतनी देर तक मारपीट हुई कि उनके कपड़े खून से सने हुए दिख रहे हैं। बावजूद इसके हैवानों की टोली ना तो रुक रही और ना ही कुछ समझने को तैयार है।
दरअसल तीनों साधु अचानक अपना रास्ता भटक गए। उन्हें जाना कहीं और था, पहुंच गए भिलाई के चरौदा बस्ती के वार्ड नंबर 3। बस बस्ती के कुछ लड़कों ने पहले उन्हें रोका और फिर पूछताछ शुरू कर दी। जब ये सब हो ही रहा था, इसी बीच में किसी ने मारपीट शुरू कर दी। साधुओं को ऑटो से खींच कर बाहर निकाला गया। ऑटो से निकाल कर उनकी पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम पहुंची। 3 साधु वेशभूषा में व्यक्ति घूम रहे थे, जिनको बच्चा चोरी के र्यूमर पे ग्रामीणों द्वारा घेर कर मारपीट की गई। पुलिस को सूचना मिलते ही त्वरित रूप से वहाँ पहुँच के इनको रेस्क्यू किया गया, इनका मुआवजा कराया गया और उसके बाद इनको सामान्य चोट होने पर छोड़ा गया। इनके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं था। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने खुद को राजस्थान का बताया है। मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि बच्चा चोरी के र्यूमर्स पर तत्काल कार्रवाई ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है उसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस उनको पकड़ के वैधानिक कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरी डिटेल सामने आ गई। तीनों साधुओं के नाम सामने आए, जिनका नाम राजवीर सिंह, अमन सिंह और श्याम सिंह है और ये तीनों साधु राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। दुर्गी जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है, संज्ञान में अगर ये घटनाक्रम मीडिया तक पहुंचा है तो पुलिस इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। मामले में अज्ञात लोगों पर FIR तो दर्ज कर ली गई है, वीडियो के आधार पर पूछताछ भी चल रही है, लेकिन सवाल भी है। सवाल ये कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई कब होगी और साधुओं के खिलाफ साजिश रच कौन रहा है? लोगों के बीच बच्चा चोरी का शक कैसे बढ़ रहा है? जरा पीछे चलें तो पता चलता है कि साधुओं के साथ मारपीट की घटनाएं किस तरह से बढ़ती चली आ रही है। पिछले महीने ही महाराष्ट्र के सांगली में भीड़ ने 4 साधुओं को पीटा। चारों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। रास्ता पूछने पर साधुओं की पिटाई की गई थी। पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ के धामतारी जिले में 5 साधुओं की पिटाई हुई। 5ों की पिटाई बच्चा चोरी की अफवाह पर हुई। पिछले महीने की एक और घटना बिहार से सामने आई थी, जहां पटना में एक साधु को पीटा गया था। बच्चा चोरी की अफवाह पर भी ये पिटाई भी हुई थी और 2-3 महीने में बिहार में ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है। इस सबसे पहले पालघर की घटना अभी भी इस देश को याद ही होगा, जहां साधुओं की जान ही ले ली गई थी। ऐसे में सवाल फिर वही कि महाराष्ट्र हो या बिहार, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, वहां साधुओं की पिटाई की साजिश किसकी है? क्योंकि ये मामले पहले से कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है और जब कभी भी ऐसी कोई भी बात आप तक या हम तक पहुंचे तो बगैर किसी आधार के किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचें, ताकि अफवाह कम फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लोकतंत्र में अब बात कांग्रेस पार्टी की। भारत जोड़ो यात्रा में आज सोनिया गांधी पहली बार शामिल हुई। इस दौरान राहुल सोनिया की कई तस्वीरें भी वायरल हुई। साथ ही सियासी गलियारों में ये भी सवाल उठे कि बीमार सोनिया ही कांग्रेस की नैया पार लगाएंगी क्या? आपको दिखा दूं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की शुरुआत 29वें दिन जैसे ही हुई, इस रैली में पहली बार सोनिया गांधी शामिल हो गए। कुछ देर तक सोनिया रैली में साथ चलती रहीं, जिसके बाद राहुल ने अपनी मां की सेहत का ख्याल किया, मां को गाड़ी में वापस बैठा दिया। इस सब के बीच पूरे दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, जिसमें गाड़ी में बैठाने वाली तस्वीर हो या फिर जूते के फीते बांधने वाली तस्वीर। सोनिया कर्नाटक के मंड्या में इस रैली का हिस्सा बनी। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि जो यात्रा 7 सितंबर से जारी है, उसके कर्नाटक पहुंचने पर ही सोनिया इसमें क्यों जुड़ी? तो कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव के लिहाज से सोनिया का कर्नाटक पहुंचना अहम माना जा रहा है। मांड्या में महिलाओं की भीड़ भी पहले से काफी ज्यादा दिखी। जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उसमें आप भी मौजूद थे और वहीं सोनिया गांधी ने कहा था कि बड़े नेताओं को भी आने की जरूरत है। आपको लगता है कि सोनिया गांधी के आने से
इस यात्रा को और बल मिल रहा है और लोग जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, इस यात्रा की मुख्य जिम्मेवारी भारत यात्रियों के ऊपर है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे, निर्वाह तरीके से चलेंगे, चाहे जो भी स्थिति हो, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, वो चलेंगे, बाकी लोग आते जाते रहेंगे। इसीलिए यात्रियों की तीन कैटेगरी है, एक भारत यात्री हैं, अतिथि यात्री हैं और प्रदेश यात्री हैं। तो जिस प्रदेश से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोग होते हैं, और अतिथि यात्री में वो सारे नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो आएंगे। कोई एक घंटा चलेगा, कोई 10 मिनट चलेगा, कोई 5 दिन चलेगा, ये उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन जो भारत यात्री हैं वो पूरी तरह से चलेंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा मौका है, जिसके जरिए कांग्रेस दक्षिण के द्वार कर्नाटक में सत्ता वापसी कर सकती है, साथ ही महिला वोटरों को अपनी तरफ लाने में ये मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इस बीच में सोनिया गांधी के साथ राहुल की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर माँ बेटे के रिश्ते के भावनात्मक पहलुओं को दिखाने की खूब अच्छी कोशिश की। हालांकि ये सवाल अलग है कि इस यात्रा का ऐसा इमोशनल कार्ड कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा। सोनिया ने कर्नाटक के नेताओं से भी मुलाकात की है, हो सकता है सोनिया 1 या 2 दिन कर्नाटक में और रहें। पिछले 2 दशक से कांग्रेस का नेतृत्व कर रही सोनिया बतौर अध्यक्ष शायद आखिरी बार कांग्रेस के किसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनी है, क्योंकि अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया जोरों पर है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और पार्टी को ऐसा लगता है कि इस पद यात्रा और ऐसी तस्वीरों से आम जनता कांग्रेस की तरफ आएगी। देखना होगा कि कर्नाटक की जनता के जहन में ये तस्वीरें कब तक रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज राजा के साथ रंजीता झा, टाइम्स नाउ भारत, मांड्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकतंत्र स्पेशल रिपोर्ट की। अब बात करते हैं और स्पेशल रिपोर्ट में बात पीएफआई के स्लीपर सेल के सबसे डेंजरस खेल की, जिसके जरिए ये कट्टरपंथी संगठन 2047 तक गजवाए हिंद, यानी कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के मंसूबे को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार ने बैन का हथौड़ा चलाकर पीएफआई का गेम ओवर कर दिया। अब जांच के दौरान लखनऊ से गिरफ्तार नदवा के पूर्व प्रोफेसर अहमद बेग नदवी ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ के दौरान पीएफआई के लव जिहाद प्लान को सरेआम कर दिया। पीएफआई की लव जिहाद वाली साजिश की वो सीक्रेट ट्रेनिंग क्या थी, जिसके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था, हमारी एक्सक्लूसिव और बेहद खास रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। जिहादी प्रोफेसर का सनसनीखेज खुलासा। मजहब के नाम पर ईमान हलाल। पीएफआई के स्लीपर सेल का सबसे खतरनाक खेल। लव जिहाद पर एक्सप्लोसिव खुलासा। पाबंदी के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कई खतरनाक मंसूबे बेपर्दा होने लगे। मुस्लिम मुल्क बनाने की जिहादी हसरत को पूरा करने के लिए पीएफआई वाले कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 2020 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा लव जिहाद के मामले। ये आंकड़ा यूं ही नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा उस साजिश का हिस्सा है जिसे पीएफआई लव जिहाद के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वो साजिश है गजवाए हिंद बनाने की कोशिश। पीएफआई इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित करता था। इस ट्रेनिंग कैंप में मुस्लिम लड़कों को बुलाया जाता था, जिन्हें खास फोकस उनके लाइफस्टाइल पर रखना होता था। अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मोबाइल हाथ में हो, अच्छी बाइक हाथ में हो। ये खुलासा किसी अरे गहरे शख्स से नहीं बल्कि उस प्रोफेसर ने किया जिसे यूपीएसटीएफ ने 23 सितंबर को लखनऊ से गिरफ्तार किया। ये अहमद बेग नदवी, जो देश विरोधी साजिशों में शामिल होने के आरोप में यूएपीए एक्ट के तहत जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक अहमद बेग ने पीएफआई के लव जिहाद प्लान पर कई सनसनीखेज खुलासे किए। खुलासा नंबर 1, को एजुकेशन स्कूलों में पढ़ने वाली हाई प्रोफाइल घरों की लड़कियों को टारगेट करना। खुलासा नंबर 2, हिंदू लड़कियों को फंसाने, घर से भगाने, इस्लाम अपनाने के लिए मुस्लिम लड़कों को तैयार करना। खुलासा नंबर 3, मुस्लिम लड़कों को पुलिस और कानून से बचने के लिए लीगल ट्रेनिंग देना।
पूरे शेड्यूल का अहम हिस्सा हुआ करता था लीगल कोचिंग यानी कि लीगल ट्रेनिंग। अगर कोई लड़की के परिवार वाले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं तो ऐसे में कैसे उसे बचाव करना है, इसकी पूरी कानूनी पेचीदगियों की जानकारी उन लड़कों को मुहैया कराई जाती थी और उन्हें इस लीगल हेल्प करने के लिए बाहर से कुछ ताकतें भी लगी हुई थी जो इन मामलों में उनकी मदद किया करती थी और इसके लिए बकायदा एक आर्थिक पैकेज भी था। बताया जा रहा है कि तमाम खुलासे लखनऊ के नदवा कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर अहमद बेग ने किए। उसने हिरासत में हुई पूछताछ के दौरान पीएफआई के लव जिहाद वाले प्लान को सरेआम कर दिया। अहमद बेग कौन है आपको आगे बताएंगे। पीएफआई लव जिहाद के जरिए 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटी थी यह भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि भारत में इस खतरनाक प्लानिंग को मंजिल तक पहुंचाने के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही थी। अहमद बेग जो कि इस नदवा कॉलेज में पढ़ाया करता था, जो शिक्षक था, उससे यूपीएसटीएफ ने कई अहम राज उगले हैं, उसमें ये प्लान भी शामिल था अहमद बेग का, ये जानकारी मिली है। ओमान की खाड़ी से अहमद बेग को बड़ी संख्या में आर्थिक मदद मिली थी। अब इस आर्थिक मदद का क्या अहमद बेग किस तरीके से उसे खर्च करता था, इसकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही खातों की डिटेल भी निकाली गई है। जो लव जिहाद के मामले सामने आए हैं उनके परिजनों के खातों को खंगाला जा रहा है कि क्या उनके खातों में कोई रकम पहुंची हुई थी, सबकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। इन सारे जो बिंदु हैं उनकी पड़ताल यूपीएसटीएफ यूपीएटीएस की टीम कर रही है। अहमद बेग के खुलासे पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ का बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन उसके खुलासे ने हिंदूवादी संगठनों को एक बार फिर पीएफआई पर अटैक का मौका दे दिया। अहमद बेग देखिए लखनऊ में पकड़ा जाता है नदवा में, वो कबूलता है 104 हिंदू लड़कियों का उसने लव जिहाद करा के उसका धर्मांतरण कराया। तो ये जो मदरसे ये आतंकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है और ये इनके जैसे मौलाना मौलवी ये मुस्लिम लड़कों को समझाते किस प्रकार से कलावा पहनो टीका लगाओ और जो बाहर से लड़कियाँ आके हॉस्टलों में रहती हैं उनका उनको फंसाओ, उन पर पैसा कर करके इनको बड़ी महंगी महंगी बाइकें दी जा रही हैं। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई सोशल मीडिया पर लोकल सोर्स से लव जिहाद के लिए मुस्लिम लड़कों को भर्ती करता था। वो स्कूलों में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों को अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए कहता था। उन लड़कों को इंग्लिश में बातचीत करने और अच्छे मोबाइल और बाइक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देता था। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए मुस्लिम लड़कों को सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से एक्टिव किया जाता था। सारी कवायद का टारगेट एक, स्कूल में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना, फिर एक समय पर घर छोड़ने का दबाव बनाना। शादी भले ही हिंदू रीति रिवाज से हो लेकिन मकसद किसी भी तरह उनका धर्म परिवर्तन कराना होता था। इनके लिए वकील बकायदा एक रिहाई मंच करके संगठन है, मैंने पहले भी बताया रिहाई मंच जो है वो इनके वकील ऐसे मुस्लिम लड़कों को छुड़ाने का काम करते हैं। विदेशों से इनका फंडिंग हो रही है इस देश में, ये जैसे अवैध उसे बिल्डर का जो काम कर रहे हैं इनका पैसा लग रहा है। तो तमाम इस तरह के आय के जो स्रोत इन्होंने सट्टा बाजार पर इनका पूरा पूरा कब्जा, दाऊद इब्राहिम का पैसा उसमें लग रहा है सट्टे में। तो इन सब पैसे के आधार पर पीएफआई को जो फंडिंग हो रही है, तो पीएफआई अहमद बेग एक है, ऐसे सैकड़ों जो पूरे देश में अहमद बेग हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि लव जिहाद का या धर्म परिवर्तन के केस में पकड़े जाने पर आरोपियों को बचाने का फुल प्रूफ प्लान पहले से तैयार होता है। सूत्रों के मुताबिक लव जिहाद वाले ट्रेनिंग का सबसे अहम पहलू लॉ क्लासेस होती थी, जहां लड़की के परिवार की तरफ से पुलिस कार्रवाई के बारे में बताया जाता था। कानूनी धाराओं के साथ उससे बचाव के तरीके भी बताए जाते थे। थाने और फिर कोर्ट में होने वाले बयान से लेकर मेडिकल में क्या होता है ये भी पढ़ाया जाता था। इस ट्रेनिंग के दौरान घर से भागने के दौरान पुलिस से बचने के तरीके भी बताए जाते थे। प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून के तहत भी कार्रवाई के चलते भी साबित होते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 से जनवरी 2022 तक लव जिहाद के 164 मामले दर्ज हुए। 115 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 17 केस फाइनल रिपोर्ट के साथ बंद हो चुके हैं। 31 मामलों की जांच जारी है और एक एफआईआर को पुलिस ने रद्द कर दिया। 504 आरोपियों में से 280 की गिरफ्तारी हुई। 21 आरोपियों ने खुद सरेंडर किया जबकि 13 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, जबकि 99 आरोपियों के नाम जाँच के दौरान गलत पाए गए।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बरेली में सबसे ज्यादा 38 मामले दर्ज हुए तो लव जिहाद के 31 मामलों के साथ मेरठ दूसरे नंबर पर है। लव जिहाद शब्द सबसे पहले केरल में इस्तेमाल हुआ, केरल हाईकोर्ट में की प्रोसीडिंग्स में केरल की सरकार ने यह माना कि इसको लेकर के एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रयास किया जाता रहा है। अलग अलग राज्य की सरकारों ने भी अलग अलग समय पर जांच में इस बात के साक्ष्य मिले हैं, इस बात के सारे संकेत मिले हैं कि इसको लेकर के ऑर्गेनाइज तरीके से प्रयास किए जाते हैं, जहां पर मतांतरण करने के लिए लोभ और लालच में नाम बदल करके फंसा करके विवाह किया जाता है ताकि मतांतरण कराया जा सके। निश्चित तौर पर अगर कहीं इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं तो प्रशासन को पूरी कठोर के साथ कार्रवाई करनी ही चाहिए। फिलहाल जिस अहमद बेग से पीएफआई के लव जिहाद वाली साजिश का खुलासा हुआ वो कौन है उसके बारे में आपको बताते हैं। अहमद बेग नदवी पर आरोप ये कि अपने साथियों के साथ मिलकर देशद्रोह की साजिश कर रहा था। वो पीएफआई सदस्य के अलावा ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल का अध्यक्ष भी रह चुका है। अहमद बेग ओमान समेत कई खाड़ी देशों में जाकर पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। श्रावस्ती का रहने वाला अहमद बेग नदवी 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहा था। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुका है। उसने अरबी भाषा में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद नदवा से आलिम और फाजिल की पढ़ाई की। अहमद बेग ने साल 2018 तक लखनऊ के नदवा कॉलेज में पढ़ाया भी है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो बहराइच की कैसरगंज विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। नदवा कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर वर्तमान में पीएफआई के सक्रिय सदस्य अहमद बेग की गतिविधियां अत्यंत आपत्तिजनक और आपराधिक हैं। इनके द्वारा लव जिहाद का कार्यक्रम चलाना और प्रशिक्षण का दिया जाना जैसा कि बताया जाता है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को गहराई से इनसे पूछताछ करके इनकी फंडिंग कहां से आती है और ये लव जिहाद का जो सिलसिला इन्होंने चलाया है, इसकी कुंसित गतिविधियाँ, कार्रवाई और इनके गिरोह में कितने लोग और सम्मिलित हैं, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी ही नहीं, इस्लामिक स्कॉलर भी पीएफआई के लव जिहाद वाली साजिश को मजहब और कानून के खिलाफ करार दे रहे हैं। पीएफआई के एजेंट जो बहकाते हैं लड़कियों को महंगे कपड़े, महंगे ड्रेसेस, महंगे मोबाइल फोन, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां पहन के, हम इसके लिए गुजारिश करते हैं भारत सरकार से, उन खुफिया एजेंसियों से, कि सबसे पहले वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि इनके पास फंडिंग कहां से हो रही है, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है जो ये महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां ये पहन करके भोली भाली लड़कियों को बहकाते हैं। तरह से लव जिहाद की क्लासेस चल रही थी तो एक बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है। अब अगर ये इस तरह से किस देश से फंडिंग हो रही थी, अगर खाड़ी देश है तो भी हमारी सरकार को, हमारी हमारी केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उस देश के उच्चायोग को बुला के बात करनी चाहिए, या उनके यहाँ से कोई अगर दूसरी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट कर रही थी तो उनके खिलाफ भी एहतजाज दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश में हमारे भविष्य, हमारे बच्चियों की आबरू से, उनके भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं। पीएफआई पर पाबंदी के खिलाफ उसके नेटवर्क पर नकेल कसने की कार्रवाई जारी है। इस बीच पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने अहमद बेग के लव जिहाद गिरोह को जल्द बेनकाब करने पर जोर दिया। निसंदेह अहमद बेग अकेले कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये गिरोह का एक अपराध है और गिरोह में सम्मिलित लोग, इनका भरण पोषण और इनके खर्चा भत्ता, पॉकेट मनी अलाउंसेस और जो भी इनके खर्चे हैं वो जाहिर है उसका स्रोत, उसको पता लगाया जाना आवश्यक है। पीएफआई की जरिया आमदनी बताई जाती है कि मिडल ईस्ट से आती है, इसके अलावा कुछ अवांछनीय तत्व और स्रोत हैं वहाँ से आती है। इन सब स्रोतों का, तत्वों का पता लगा करके उनके आर्थिक स्रोतों को नष्ट भ्रष्ट करना है और चल और अचल संपत्ति कुर्क करनी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसी को पीएफआई जैसी तमाम कट्टरपंथी जमातों पर फौरन नकेल कसने की जरूरत है। साथ ही उन विदेशी प्लेटफॉर्म को भी बेपर्दा करने की दरकार है जो लव जिहाद जैसी घिनौनी हरकतों के जरिए गजवाए हिंद के नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने की फिराक में है। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।